Hello everyone, my name is Neetu and welcome to It's Homely Habit. हम सभी अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज और मेंटेन करना चाहते हैं और ऐसे में अगर कुछ चीजें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएं तो दैट इज इवन मोर बेटर। ऐसे ही 6 नो कॉस्ट होम हैक्स लेकर आई हूं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं एंड आई रियली होप कि वो सारी ही आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। सो लेट्स बिगिन। हमारे घरों में आजकल बहुत ज़्यादा गैजेट्स भी हो जाते हैं, कई सारे तो मोबाइल्स ही एक ही घर में मिल जाएंगे और बहुत सारी रिस्ट वॉचेस भी होती हैं, तो इन सब को चार्ज करने के लिए हमें चार्जर की, उसके कॉर्ड की, इन सब की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लगाने के बाद अगर हम कहीं छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा मैस इकट्ठा हो जाता है। सो हेयर इज़ अ वेरी स्मार्ट सॉल्यूशन। इस तरह की जो वेलक्रो टाई स्ट्रिप्स आती हैं इन्हें मैंने अमेजोन से परचेज़ कर लिया। सारी कॉर्ड्स के ऊपर मैंने एक एक फिक्स कर दी है और बहुत अच्छे से सारी कॉर्ड ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। एक पुराना आइसक्रीम का डब्बा था, उसे मैंने यूज़ कर लिया, तो इसमें ये दोनों चीज़ों की जो कॉर्ड हैं, चार्जर्स हैं, वो आ जाते हैं। एक कैमरे का है और एक रिस्ट वॉच का। तो इस तरह से आप अपने जो फैले हुए वायर्स हैं उनको बहुत अच्छा सा एक घर प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात हो और किचन रह जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मेरी किचन में ये एक पर्टिकुलर ड्रॉर डेडिकेटेड है सारी ही प्लेट्स, थाली या ट्रेस को रखने के लिए। पूरी किचन में सिर्फ एक यही ड्रॉर है जिसमें मुझे अपनी प्लेट्स, थाली, तवा, इस तरह की चीज़ें रखनी पड़ती हैं। पर ये जो छोटे छोटे लिड्स हैं, छोटी छोटी प्लेट्स हैं, ये इसमें नहीं आ पाती हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लगाई और अपने फ्रिज के कुछ ऐसे मैंने ऑर्गेनाइजर्स निकाले जो मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए थे, और इस ड्रॉर की जो स्पेस एक्स्ट्रा में वेस्ट जा रही थी उसको यूटिलाइज करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। दोनों ही ऑर्गेनाइजर को मैंने दोनों साइड में फिक्स कर दिया और अब मेरे पास काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस अवेलेबल हो गया जहाँ पर मैं अपनी इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी प्लेट्स ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। और दूसरे वाले ड्रॉअर में जितने भी मेरे टिफ़िन के स्टील के या प्लास्टिक के लिड्स हैं वो सारे ही आ गई। बहुत अच्छे से और वाइजली मैंने इस स्पेस को यूटिलाइज कर लिया। जब भी हमारे घरों में कोल्ड ड्रिंक या फिर जूस की इस तरह की जो प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं, यूज़ होने के बाद या तो हम उन्हें फेंक देते हैं या कहीं जाने आने में एक दो बार पानी स्टोर कर लिया और उसके बाद इन्हें अगेन हम डस्टबिन में ही थ्रो कर देते हैं। बट बिलीव मी, ये बहुत अच्छे एयरटाइट कंटेनर साबित हो सकते हैं। मेरी दालें कुछ टाइम से थोड़ी सी ख़राब जैसी होने लगी थी और इन बॉटल्स को मैंने धोकर सुखाकर इनके अंदर अपनी दालों को जब से स्टोर करना स्टार्ट किया है, लंबे टाइम तक मेरी दालें बहुत अच्छी कंडीशन में बनी रहती हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और वो भी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। नेक्स्ट स्टेप हमारी किचन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही है। किचन में बहुत सारे ऐसे डीप कैबिनेट्स होते हैं जहाँ पर हम सामान रखकर भूल जाते हैं, या तो वो एक्सपायर हो जाता है या लंबे टाइम तक पड़ा रहता है और हम देखते ही नहीं हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है लेबलिंग। आपकी किचन में जो भी डीप कैबिनेट्स हैं उसमें जो भी सामान रखा हुआ है उन्हें एक लिस्ट में लिख लीजिए। इस तरह से अपनी लिस्ट जब आप प्रिपेयर करके कैबिनेट्स के अंदर या आप जो भी आपने कंटेनर या डब्बे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करे हैं जिनमें सामान दिखता नहीं है उनके ऊपर लगा दीजिए, और अब आप देखेंगे कि आपकी आंखों के सामने अंदर से अंदर रखा हुआ सामान भी रहेगा और टाइम टू टाइम जब भी आप कैबिनेट खोलेंगी तो आपको पता रहेगा कि आपके पास क्या क्या सामान है। बहुत अच्छे से आप अपना सारा सामान यूटिलाइज़ कर पाएंगी और आपके पैसे भी बर्बाद नहीं जाएंगे। हम सभी ने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि हम चाहें या ना चाहें, हम हों या हमारे घर का कोई और मेंबर, इस तरह के अगर ओपन सरफेसेस उन्हें मिलते हैं तो वो सबसे पहले अपना सामान यहीं पर डंप करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैसी होता है किचन के फ्रिज का टॉप। मेरे घर में भी इस तरह की प्रॉब्लम मैंने कई बार फेस करी है, तो सोचा कि ये आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँ। सारी चीज़ों को पहले तो मैंने फ्रिज के टॉप से हटा लिया,
फ्रिज का कवर वगैरह जब भी चेंज करना हो तो इस फैले हुए सामान को हटाकर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है। आप कोई भी एक बड़ी सी ट्रे यूज़ करिए, जो भी फ्रिज के ऊपर सामान रखा है उसे उस ट्रे में ऐड कर दीजिए। अगर आप डेकोरेटिव आइटम्स यूज़ करती हैं तो उन्हें भी उस ट्रे में रख दीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टिप, एक खाली कंटेनर वहाँ पर ज़रूर रखिए, जिससे रैंडमली जो भी सामान आपको मिलता है या कोई और रखता है तो वो उसी के अंदर रखे। टाइम टू टाइम इसे चेक करते रहिए। इस तरह से आपके फ्रिज का टॉप भी क्लीन रहेगा और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज मिलेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये कोई ऐसी हैक नहीं है जिसे कोई जानता ना हो, मेरे घर में इस तरह का जो ये मीटर है वो ख़राब हो गया था, यानी कि बीच से पूरा ही फट गया था। तो जब तक मैं नया मीटर लेकर नहीं आती, मैं इसी को रिपेयर करने के बारे में सोच रही थी और आज मैं यही आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। आपके घर में भी बहुत सारा सामान ऐसा होगा जिसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है पर आप नहीं जा पाते हो या उसके रिप्लेसमेंट में कोई दूसरी चीज़ नहीं ले पाते हो, तो घर पर ही उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं और कुछ ऐसे टूल्स भी होते हैं जो हमें अपने घर पे रखने चाहिए जिनसे हमारा काम आसान हो जाए। सेलो टेप में मैंने पूरे ही इस मीटर को अच्छे से, इसकी जो भी मेज़रमेंट है उसी के हिसाब से ठीक से चिपकाया, और इसको चिपकाने के बाद इसकी दूसरी साइड में भी मैंने सेलो टेप को अच्छे से स्टिक कर दिया। जो भी एक्स्ट्रा टेप थी उसे कैंची से कट करके निकाल दिया, और विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, बिना कोई खर्चा किए मेरा पुराना मीटर ही ठीक हो गया है। जब तक नया मीटर मुझे नहीं मिलता है तब तक मैं इसी को यूज़ करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आज की टिप आपको अच्छे लगे हों और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।